हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस समय इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने थोड़ा सा आप सबको अभी दिखाया है अपने वीडियो पे कि सुबह हमने सबने पूजा की। और आज ना मेरे घर में सब लोग व्रत थे, रहने वाले थे, पर मैं और रिया व्रत नहीं है क्योंकि हम लोग को ना थोड़ी थोड़ी सी भूख बीच बीच में लगती रहती है। और फास्ट रहने से क्या होता है ना, बीच में काफ़ी गैप हो जाता है जिसकी वजह से कभी कभी हमारे सर में पेन होने लगता है। काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम होगी और काफ़ी लेडीज़ों को हो जाती है ये नवरात में। ये सारी चीज़ें अगर हम ऑयली चीज़ें खा लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं और रिया व्रत नहीं रहे। और थोड़ा थोड़ा खाना अगर खाते हैं ना आप सारा दिन, तो फिर व्रत रहने का क्या फ़ायदा। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार आप तो सारा दिन खा रहे हो, कुछ ना कुछ खा रहे हो, अब ये खाया अब वो खाया, मतलब पेट भरता ही नहीं है। तो अगर हम मैं तो अगर सोच लेती हूँ ना कि मुझे व्रत रहना है, तो फिर मैं इतना डर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज भूखा ही रहना है। इस वजह से मुझे पता नहीं क्या होता है और ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो मैं ना सोच रही हूँ आज बहुत अच्छी सी एक डिश, ऐसी क्यों ना डिश हम लोग बनाएं जिससे हमारा वेट लॉस भी हो और हम व्रत में वो चीज़ें खाएं तो हमारा वजन भी ना बढ़े और ज़्यादा ऑयली भी ना हो और जिससे हम बीमार ना हो। तो ऐसी चीज़ें कुछ मैंने रेसिपी अपनी ट्राई करने की कोशिश की है और बनाने जा रही हूँ। और आप सबके साथ भी आज मैं सोच रही हूँ ये सारी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और अभी शाम का दीपक बाती सब हो चुका है, माता रानी को इवनिंग का दिया हम लोग ने जला दिया है। तो अब मैं शाम को, हस्बैंड आज मेरे व्रत हैं, हम लोग नहीं हैं, पर मैं उनके लिए ये सारी डिशेस बना रही हूँ और हम लोग भी यही खाएंगे क्योंकि अलग से तो कोई फास्ट में खाना मैं नहीं बनाने वाली हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ ना जितनी भी अच्छी अच्छी रेसिपी है वो सारी अब मैं बनाती हूँ, कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने ना 7 रेसिपी सोची है बनाने के लिए और वो मैंने ना लिख कर रख ली है कि मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, पर देखती हूँ अगर ज़्यादा टाइम ना हुआ ना तो मैं सारी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और वैसे मैं देखूँगी अगर कम रेसिपी बनानी है मुझे तो मैं थोड़ी थोड़ी मतलब ट्राई करूँगी, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ी रेसिपी बनाऊँगी। और अगर मुझे टाइम अच्छा मिल गया ना, मतलब मेरे हस्बैंड का आने का जो टाइम है उससे पहले अगर मैं सारी रेसिपी बना लेती हूँ तो मैं सारी रेसिपी बना लूँगी। और वैसे मैं 4 या 5 रेसिपी तो बनाने ही वाली हूँ, वो तो मैंने सोच लिया है, तैयारी कर ली है, किचन में सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर ली हैं कि मैं रेसिपी बनाते समय कोई चीज़ भूलूँ ना। तो चलिए जल्दी से मैं आप सबको वो रेसिपी भी दिखाती हूँ और मैं क्या क्या बनाती हूँ। और आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए, तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या वीडियो किसी भी बेस पे अच्छा लगता है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड ग्रुप में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं देर ना करते हुए। यहाँ पे मैं मार्केट से आके मैंने सबसे पहले ना ये पीतल के जो बर्तन है मेरे भगवान जी के तांबे के, इसको मैंने पीतांबरी से साफ़ किया। सबसे पहले मैंने सूखा ऐसे ही पाउडर लेके पीतांबरी का इन सारे बर्तनों में, ये जो स्कॉट ब्राइट होता है ना बर्तन मांजने वाला, इससे मैंने खूब अच्छे से सूखा ड्राई बिल्कुल इसको रगड़ लिया। बहुत अच्छे बर्तन साफ़ हो गए थे। और उसके बाद मैं सारे बर्तनों को मैंने धुल दिया। यहाँ पर मैं पर्दे उतार रही हूँ, इनको मैं वॉश करूँगी। और मंदिर बहुत काला हो चुका है तो ये देखिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पेंट, तो मैं मंदिर में पेंट करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अगरबत्ती जला देते हैं पूजा करने के टाइम, तो इसलिए मैं पेंट कर रही हूँ, मंदिर थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। और बहुत काला मंदिर हो चुका है। और ये देखिए मैंने एक कोट लगा दिया है इसमें, ये मैं सेकेंड कोट लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मंदिर काला हो गया था जब मैंने पर्दा हटाया, तब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काला मंदिर हो गया था। और ये मैंने रात में ही पेंट कर लिया था।
और ये मेरा नवरात्र का वीडियो सुबह सुबह हम लोग कर रहे हैं, नवरात्र की पूजा हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर। तो आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब ये वीडियो आएगा तो आप सब नवरात्र मना चुके होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर आज माता रानी की चौकी मैंने नीचे लगाई है, क्योंकि ये मंदिर मेरा काफ़ी छोटा है, यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाने की जगह नहीं है। और ये देखिए, पेंट होने के बाद मंदिर कितना वाइट और साफ़ सुथरा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देख कर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, बर्तन भी काफ़ी साफ़ हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने कलश रखा है और माता रानी को बिठाया है। और इस तरह से हमने अपनी नवरात्र की पूजा की, सफाई की, और अभी शाम को मैं व्रत की सारी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, बहुत प्यारा मंदिर लग रहा है, और पूजा होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर माता रानी को यूं ही निहारती रहूँ, देखती रहूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर भी पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, और यहाँ पर ये मेरी सरस्वती माता, भोले बाबा, शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी, और ये है हमारे लड्डू गोपाल, राधा रानी है छोटी सी। तो ये देखिए, और यहाँ पर जगन्नाथ जी भी हैं मेरे मंदिर में छोटे से। तो चलिए किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पर मैं मखाने के कटलेट बनाऊंगी, बहुत टेस्टी ये कटलेट बनते हैं, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मखानों को फ्राई कर रही हूँ, तो अभी इसे और फ्राई करूँगी। ये देखिए, ये बहुत क्रंची हो गया है, बहुत आराम से फूट जा रहा है। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे बिल्कुल दरदरा। मखाने को पीस लिया है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दरदरा पीसना है मखाने को। और मैंने एक कटोरी आलू बॉईल करके ये रख लिया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैं एक कटोरी आलू ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा कटलेट बनाने हैं तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं। तो ये जो मखाने मैंने पीसे हैं, थोड़े से ज़्यादा पीस गए हैं। ये मखाने जो हमारे आलू के मॉइस्चर को सोख लेंगे अच्छे से, और अगर गीली आलू होगी ना तो इन्हें डालने के बाद बिल्कुल सूखी सूखी आलू हो जाएगी, कटलेट आपके बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इसे डालने का यही रीज़न है, और स्वाद भी बढ़ जाएगा, इससे क्रंची भी लगेंगे हमारी कटलेट। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हरी धनिया डाली है, सेंधा नमक डाला है, और एक चम्मच मैंने यहाँ पर लेमन जूस डाल दिया है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और अगर आलू ज़्यादा होता तो ये जितना भी मैंने पीसा है ना मखाने का, तो वो पूरा ऐड हो जाता, पर आलू कम मैंने यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम कटलेट बनाने हैं। और ये सेंधा नमक जो मैं डाल रही हूँ, इसमें छोटी छोटी सी गांठें हो गई हैं, तो इसलिए मैं इसे हथेली से रगड़ के डालती हूँ ताकि मुँह में छोटी छोटी गांठें ना आएँ। और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसके छोटे छोटे हम कटलेट बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने देसी घी ले लिया है, और देसी घी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक का पैन चढ़ा लिया है, एक चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे, और बस इसी चम्मच से हमारे ये सारे कटलेट फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा सा हमें घी हाथों में लगा कर, और इस तरह से सारे कटलेट को हम बना लेंगे, और तवे पर धीमी आँच पर सेकेंगे। आँच को बिल्कुल लो भी नहीं करना है और बहुत तेज़ भी नहीं करना है। तो ये देखिए, कितने पतले पतले कटलेट मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, कुछ इस तरह के कटलेट मैं सारे बना लूँगी, और उसके बाद आप सबको दिखाऊँगी। तो चलिए, मैं तवे पे से रख देती हूँ सारे कटलेट को। तो यहाँ पर खूब अच्छे से हमारा तवा गर्म हो गया है, और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कटलेट बना कर तवे पर डाल दिए हैं। और इन कटलेट को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और मुझे आज काफ़ी टाइम मिल गया है, मैं आप सबसे बोल रही थी ना, मुझे अगर टाइम ना मिला तो मैं सारी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, पर मुझे टाइम मिल गया तो मैंने पूरी 7 रेसिपी आप सबके साथ इसमें शेयर की हैं। तो ये देखिए, कितनी कुरकुरी और बहुत यम्मी ये टिक्कियाँ सिक रही हैं तवे पर। तो अब दूसरी साइड से भी हम इन्हें सेक लेंगे,
और ये सारी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें मूंगफली के दाने, तो बहुत इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, तो ये देखिए सारी चीजें खूब अच्छे से पक गई हैं। और अब मैं ये बॉयल आलू मैंने कट कर लिए हैं, ये थोड़े से मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा मैं जीरा आलू बनाऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और ये मैं एकदम पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी, बिल्कुल ड्राई नहीं बनाऊंगी इसे। तो इसमें मैंने मीडियम साइज के दो टमाटर डाल दिए हैं। बस अब मैं इसको थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्च है ये, इसको भी अच्छे से चलाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ये मैंने सोक करके साबूदाने रख दिए थे। साबूदाने को सोक करने का तरीका ये है कि आपको जितना साबूदाना हो ना उसके बराबर बिल्कुल पानी लेना है और इसे तीन या दो घंटे के लिए भिगो कर रखना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट साबूदाना भीगा हुआ है, कितने आराम से ये दाने टूट रहे हैं। बस अब इसे थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। आप ज़्यादा डालना चाहो ज़्यादा डालो, जैसे आपकी इच्छा। आलू ज़्यादा डाल सकते हो या साबूदाना, जो चीज़ आप ज़्यादा डालना चाहो डाल सकते हो। तो अब हमने इसे खूब अच्छे से मिक्स करा है और हम इसे लिक्विड बनाएंगे, ड्राई बिल्कुल नहीं मैं बना रही हूँ इसे। और इसमें डालेंगे अब हम पानी। तो आपको जितना भी इसे गीला खाना है, मतलब जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे ढककर मीडियम फ्लेम पे। करीब ये 10 मिनट पकेगा ताकि हमारे साबूदाना ना एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। बस ये पक जाएगा और ये बहुत टेस्टी खिचड़ी लगती है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैं लो कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी। तो ये हमारे कटलेट रेडी हो गए हैं, अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। बहुत प्यारे कटलेट बने हैं, ये देखिए कितने क्रंची और बिल्कुल लाल लाल सिके हैं। और ये वाला देखो फ्रेंड्स कितना पतला कटलेट बना है, वाओ। तो ये कटलेट जितने देखने में टेस्टी हैं उतने खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी हैं। तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे सिंपल रेसिपी बता रही हूँ आपको, जो सभी लोग बनाते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं ज़ीरा राइस बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी लिया है, थोड़े से पीनट्स लिए हैं ये दो चम्मच के करीब, मूँगफली के दाने ले लिए मैंने, और ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है। इसको खूब अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये मूँगफली के दाने हल्के से फ्राई हो जाएंगे हम इसमें ये बॉयल्ड आलू ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच मतलब थोड़ी सी ग्रीन चिली कट करके डाली है, और साथ में हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए और ये थोड़ा लाल लाल एकदम सिक जाए। और जब ये बहुत अच्छे से सिक जाता है तो ये ज़ीरा आलू बहुत टेस्टी लगता है। मैं राइस बोलने जा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसे मैं और पकाऊंगी। और यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि सारी डिशेस फास्ट की बन रही हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी सी डिश मैं बना रही हूँ, और क्योंकि काफ़ी डिशें हैं
और आप चाहें तो जब भी नवरात्र का व्रत रहें तो इनमें से दो या तीन रेसिपी बनाइए अपने लिए। और ये बहुत अच्छी रेसिपी हैं, इसमें मैंने ज़्यादा ज़ीरा डाला है ताकि ये टेस्टी ज़ीरा आलू बने हमारा। तो ये रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं साबूदाने को चेक कर लूँगी, तो एक साइड साबूदाना पक रहा है तो अब इसे चेक करेंगे। और ये करीब 10-15 मिनट में पक कर रेडी हो जाता है, रेडी हो चुका है। अगर आप इसे फास्ट में नहीं बना रहे हैं तो आप हल्के हल्के से इसमें मसाले डालिए जिससे इसका कलर बहुत सुंदर हो जाता है, पर मैं ये फास्ट के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। बस आपने इसे देखा है मैंने इसे किस तरह बनाया, और ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है साबूदाना और सारी चीज़ें ड्राई हैं ना, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गीला लिक्विड ही बनाया है। तो ये देखिए काफ़ी लिक्विड इसमें बना हुआ है। तो ज़ीरा आलू रेडी हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे लेमन जूस, बस थोड़ी सी डालेंगे इसमें हरी धनिया। तो ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ला, और वो मैं सिंघाड़े के आटे से बना रही हूँ, कुट्टू के आटे से बना रही हूँ। तो ये वाली कटोरी से मैंने एक कटोरी लिया है सिंघाड़े का आटा और एक कटोरी लिया है कुट्टू का आटा। ये देखिए ये दोनों मिक्स है, एक कटोरी सिंघाड़े का आटा है और एक कटोरी कुट्टू का आटा है। तो अब हम इसे डाल लेंगे और इसके हम चिल्ले बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनते हैं और व्रत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे चिल्ले हैं ये। तो ये देखिए इसमें मैंने ना ये लौकी को मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके इसका सारा पानी मैंने बहुत कम ही रखा था इतना ताकि ये लौकी पक जाए, पानी फेंकना ना पड़े। तो ये मैंने लौकी ली है थोड़ी सी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं ये आधी कटोरी है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। ये बॉईल लौकी है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, लौकी को बॉईल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च, साथ में हम डालेंगे ये ग्रीन चिली इसमें जो हमने एकदम महीन कट करके रखी थी, और साथ में इसमें हम डालेंगे नमक, और इसका खूब अच्छा सा हम बैटर बनाएंगे। तो धीरे धीरे पानी डालते जाइए और उसको खूब अच्छे से फेंटना है हमें, बिल्कुल बैटर जैसा बनाना है चिल्ले का। देखिए कुछ इस तरह का बैटर बनाना है, ये मैंने बिल्कुल पतला बैटर बनाया है, मतलब बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, और इसको मैंने खूब अच्छे से फेंट लिया है। तो चलिए अब इसके चिल्ले बनाते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का बैटर है, ये देखिए जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही है। तो इसमें बहुत कम ऑयल लगता है, तो हम एक दो ड्रॉप इसमें हम डाल रहे हैं देसी घी के, और बस अब हम ये चीला फैला देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सूख चुका है, अब हम इसे धीरे से पलटेंगे अपने चीले को बहुत आराम से। ये देखिए पलट दिया है हमने, और हल्का सा हम घी लगा देंगे ऊपर भी, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत लगाइए। तो बस सारे चीले मैं इसी तरह सेक लूँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पर ये चीला मेरा रेडी हो रहा है, तो मैं सारे चीले बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे चीले बन रहे हैं। तो ये मैंने सारे चीले बनाकर रेडी कर लिया है, अब मैंगो लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं मैंगो लस्सी बनाने जा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिया है कट करके। और मीठे के लिए इसमें आप अगर वेट लॉस के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप शुगर डालिए वाइट वाली, पर मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर भी आप डाल सकते हैं, पर ये मेरे पास ना जैगरी का पाउडर है मतलब गुड़, और ये इस तरह का है बिल्कुल पिसा हुआ जो चूरा टाइप में आता है वो वाला गुड़ है ये, तो मैं ये मीठे के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कीजिएगा, और अगर वेट लॉस के लिए नहीं बना रहे हैं तो वाइट वाली। तो चलिए लस्सी बनाते हैं, मैंगो लस्सी। और एक कटोरी मैंने दही ली है,
थोड़ा सा ये मैं डाल रही हूँ, ये करीब मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है। आपको जैसी लस्सी चाहिए वैसे आप बनाइए। तो इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से लस्सी जैसी बन जाए, और थोड़ा सा लिक्विड बनाएंगे। और अगर आपको गाढ़ी लस्सी चाहिए तो आप इसमें पानी मत मिलाइए, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी स्मूदी की तरह बनेगी, पर हम बिल्कुल थोड़ी सी लिक्विड बनाएंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो इस लस्सी में चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए लस्सी बन चुकी है, और बहुत थोड़ी थोड़ी सी मैंने लस्सी बनाई है, ग्लास बहुत बड़ा है, तो लस्सी रेडी हो गई। तो ये हमारी मैंगो लस्सी रेडी हो गई है, और इसे ठंडा करने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब डाल रही हूँ, और बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस समय सर्दी जुखाम होने का बहुत डर होता है, तो इसलिए मैंने बहुत कम डाला है। आप चाहें तो ढेर सारी आइस डालकर बना सकते हैं अगर आपको ठंडा ज़्यादा पसंद है। तो अब हम अपनी लस्सी को थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कटे हुए मैंगो ऊपर से डाल दिए हैं, तो ये देखिए। और आप चाहें तो इसमें हल्का सा रूअफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, पर पता नहीं फास्ट में रूअफ़ज़ा खाते हैं या नहीं खाते हैं। और मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मिंट लगा रही हूँ, तो मिंट लगाने से ना ये बहुत फ्रेश और बहुत यम्मी लगता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए मेरी लस्सी रेडी हो गई है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट सैलेड बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ही फ्रूट लिए हैं, आप चाहें तो ढेर सारे कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरे पास ये 2 फ्रूट घर पर थे, तो मैं इन्हीं 2 फ्रूट से अपनी फ्रूट चाट बना रही हूँ, पर आप और भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, सारे फ्रूट डाल सकते हैं जो भी फ्रूट आपको पसंद हो। तो बस अब मैं इसे लगा लूँगी, और फिर इसका एक बहुत अच्छा सा मैरिनेशन बनाएंगे जो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, ये देखिए तो ये सेंधा नमक है, ये हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। तो ये फ्रूट के ऊपर डालने के लिए मैरिनेशन मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च डाली है, लेमन डाला है और सेंधा नमक डाला है। तो बस अब हम इस पे डाल देंगे, और ये जितना हमारा फ्रूट है ना, ये सबका टेस्ट बिल्कुल बढ़ा देगा, ये हमारा मैरिनेशन जो हमने बनाया है लेमन का। अब यहाँ पर हम सबसे लास्ट रेसिपी अपनी बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की चटनी, जो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिया है, ये सूखा कच्चा वाला आम है, तो ये देखिए सूखा नहीं सॉरी, ये आम है ग्रीन वाला हरा आम, और हमारे यहाँ इसे अमिया बोलते हैं। और ये देखिए ये पुदीना है, हरी मिर्च मैंने 2 ली है, थोड़ी सी मैंने इतनी सी अदरक डालूँगी इसमें, और फिर हम चटनी बनाएंगे जल्दी से इसकी। और थोड़ी सी मैं इसमें हरी धनिया भी डालूँगी, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, ये जो मैंने कट करके रखी थी, और इसमें मैं डालूंगी नमक थोड़ा सा, इसमें हम नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा हम जीरा भी डालेंगे इसमें। बस अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मेरी पुदीने की चटनी रेडी हो चुकी है, और ये पुदीने और आम की चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। ये सारी डिश जितनी भी हमने बनाई है ना, सबके स्वाद को बिल्कुल बढ़ा देगी। तो ये देखिए ज़्यादा पिस गई है, थोड़ी सी मैं फ्रिज में रख दूँगी, ये मेरे 2-3 दिन चल जाएगी। तो ये देखिए जी मैंने सारा खाना रेडी कर लिया है, और इन सारी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे व्रत वाले कटलेट हैं, तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और खाने में बहुत यम्मी बने थे। और इन सारी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी खिचड़ी है, और साथ में ज़ीरा राइस है, कुटू के आटे का चीला, सिंघाड़े के आटे का बनाया था, लस्सी बनाई थी,
और वो हमारी फ्रूट चाट हो गई है। तो ये आज व्रत में मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, कैसी लगी ज़रूर बताइए। मुझे तो अपनी सारी डिश बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगी, पर अब इसे आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये रेसिपी कैसी लग रही है आपको, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब कमेंट्स करोगे। तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ लस्सी, तो देखते हैं कैसी लस्सी बनी है। यम्मी टेस्टी है, बहुत टेस्टी लस्सी है। तो इन सारी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।